नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। वैशाख का महीना क्यों है खास? स्नान दान जप का क्या है महत्व? कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा? कैसे करें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ? भगवान शिव की पूजा कैसे है फलदायी? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। वैशाख महीना हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का दूसरा महीना होता है। समय और ऋतु काल में ये वो महीना होता है जब चैत्र तक बासंतिक पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, जिससे सूर्य की तपिश बढ़ जाती है, धूप तेज हो जाती है, दोपहर की हवा कुछ गर्म होकर चलने लगती है, यानी गर्मी के मौसम की ओर समय तेजी से बढ़ चुका होता है। सनातन परंपरा में इस वैशाख मास का बहुत महत्व बताया गया है। वैदिक काल से ही इस महत्व को वैशाख महात्म्य के नाम से जाना जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर वैशाख मास का क्या महत्व है और इस दौरान किसकी पूजा अर्चना करना फलदायी होता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि वैशाख के महीने में पूजा पाठ और दान का महत्व क्या है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए कि वैशाख महीने में किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और दान का क्या महत्व होता है। भारतीय सनातन संस्कृति में जिसे हम वर्ष को संवत्सर के नाम से जानते हैं, यह संवत्सर का दूसरा महीना होता है वैशाख महीना। चैत्र के बाद वैशाख की शुरुआत होती है। इस बार संवत 2079 में वैशाख महीने की शुरुआत 17 अप्रैल से हो रहा है और यह 16 मई तक वैशाख का महीना रहेगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि वैशाख महीना बहुत पवित्र महीना के रूप में माना जाता है। इस वैशाख महीने की पवित्रता क्यों बढ़ जाती है, इसके बारे में मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताता हूँ। हमारे शास्त्र में सबसे बड़ी बात कही जाती है कि कभी भी कोई भी पवित्रता तब बढ़ती है जब माँ शक्ति का, दुर्गा का पदार्पण जिस महीने में होता है, जैसे चैत्र के महीने में दुर्गा शक्ति का। उसी तरह से यह जो वैशाख का महीना है उसकी पवित्रता के तीन कारण हैं। पहला कारण ये है कि इसी वैशाख के महीने में आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसे हम वैशाख शुक्ल नवमी तिथि के रूप में मनाते हैं। इसी दिन जो है राजा जनक, उनकी पत्नी सुनैना और सतानंद जो उनके कुलगुरु थे, जब उन्होंने हल चलाया जिसे सीता भी कहते हैं, और इस धरती माता से माँ सीता जानकी स्वयं प्रकट हुई। इसलिए इस महीने का पवित्रता, इस महीने का महत्व बढ़ जाता है। दूसरी बात, जो हमारे सनातन धर्म में चार सबसे पवित्र अबूझ मुहूर्त माने जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं दीपावली, दशहरा, और इसी क्रम में एक होती है तिथि अक्षय तृतीया। जिस दिन कोई भी कार्य अगर किया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है। यह अक्षय तृतीया भी वैशाख के महीने में ही मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जो है कोई भी कार्य बिना मुहूर्त देखे अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। वह अक्षय तृतीया भी इसी वैशाख के महीने में पड़ती है। तीसरी बड़ी बात, भक्त की परीक्षा की बात, भक्ति के शक्ति की बात, एक भक्त के परिश्रम का बात, एक भक्त के प्रार्थना की बात, वो ये है कि वैशाख शुक्ल चतुर्दशी जिसे नरसिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसी दिन अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान श्रीमन नारायण स्वयं नरसिंह अवतार में उत्पन्न होते हैं और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस से इस दुनिया की रक्षा करते हैं, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। कुल मिलाकर के श्रीमन नारायण, माता सीता और यह अक्षय तृतीया जो ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखती है, कुल मिलाकर के इन तमाम विषयों के साथ यह वैशाख का महीना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। एक विषय और जुड़ा है वैशाख से, वो यह है वैशाख शुक्ल सप्तमी से। वैशाख शुक्ल सप्तमी इसलिए, इसे निम्ब सप्तमी कहा जाता है। निम्ब अर्थात नीम, और रोग से मुक्ति के लिए। आप देखेंगे वसंत के बाद पतझड़ की शुरुआत होती है वैशाख में। पतझड़
जब होती है उसके बाद नवीन कोपले लेना शुरू करती है नीम। तो ये नीम की पत्ती खा करके रोग मुक्ति का अनुष्ठान किया जाता है, शरीर को विषमुक्त किया जाता है, टॉक्सिफाइड किया जाता है। जो भी हमारे शरीर में ऐसे तत्व हैं जो विष के स्वरूप में हमारे शरीर में बन रहे हैं या उनका निर्माण हो रहा है, उससे मुक्ति के लिए नीम की पत्ती खाई जाती है और ये संकल्प लिया जाता है कि रोग दूर हो जाए, रोगापहा मतलब व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाए। यह बहुत पुण्य का महीना माना जाता है। इस महीने में जहाँ देव आराधना की जाती, जैसा मैंने बताया माता सीता और नरसिंह भगवान का, इसी तरह से इस महीने में अन्न का दान, जल का दान करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। हमारे पुराण भी कहते हैं कि वैशाख महीने में ज़रूरतमंद लोगों को आप दान दें। ज़रूरतमंद लोगों को दान देने से आपकी तरक्की होगी, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाला कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ अस्थाई स्वरूप नहीं ग्रहण कर पाएगा, अर्थात तकलीफें आएंगी ज़रूर लेकिन नष्ट हो जाएंगी। इस महीने के आखिरी दिन यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा चूंकि विशाखा नक्षत्र पे होता है, इसलिए इसे वैशाख का महीना कहा जाता है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और उसके देवता इंद्र हैं। इस कारण से इस पूरे महीने स्नान का महत्व, दान का महत्व, व्रत का महत्व और देव आराधना का महत्व बढ़ जाता है, जिससे मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता है, अक्षय हो जाता है। इसलिए वैशाख महीने को इतना खास महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में। स्कंद पुराण की बात हो, पद्म पुराण की बात हो या विष्णु पुराण की बात हो, तमाम पुराणों में वैशाख में भगवान श्रीहरि विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। वैसे गीता में भगवान कहते हैं मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, लेकिन श्री विष्णु की आराधना द्वापर युग के पहले हमेशा वैशाख के महीने में की गई। हमारे शास्त्र बताते हैं कि वैशाख के महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ श्री सूर्य नारायण और भगवान भोलेनाथ शिव जी की भी उपासना करनी चाहिए। भगवान शंकर को भी जल चढ़ाया जाता है और यह अत्यंत पुण्यकारी होता है। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु और सूर्य देवता की पूजा करने से जाने अनजाने में हर तरह के पाप और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वैशाख के महीने में तुलसी के पूजन का विशेष विधान है, तुलसी को जल देने का विशेष महत्व है। इसके साथ साथ जो समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान है, जो श्रीहरि विष्णु का सबसे प्रिय वृक्ष है पीपल, उसको भी पूजने का, उसको भी जल देने का विशेष विधान इस वैशाख के महीने में कहा गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि वैशाख के महीने में यदि आप नियमित स्नान दान जप व्रत इत्यादि कर्म करते हैं तो उसके दो फायदे होंगे। एक तो आप का शरीर बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएगा और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में, आपकी प्रश्न कुंडली में, गोचर कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह अरिष्ट है तो उस अरिष्ट की भी शांति होगी। बड़े से बड़ा मार्केस भी भगवान श्री विष्णु और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, सब प्रकार से सर्वविधि से कल्याण होगा। तो पंडित जी ने आपको बता दिया कि वैशाख महीने का महत्व क्या है, लेकिन वैशाख महीने के दौरान किस भगवान की पूजा करना फलदायी होता है और कौन सा जाप करना शुभ फल देता है, पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को। जी, भगवान श्रीहरि विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। पालन करता है श्रीहरि विष्णु, जिन्होंने समय समय पर अधर्म के विनाश के लिए धरती पर अनेक अवतार लिए हैं। कहा जाता है कि जो लोग भगवान श्री विष्णु को सच्चे मन से श्रद्धा से स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी रक्षा जैसे उन्होंने प्रहलाद की उसी तरह से आपकी भी रक्षा भगवान श्रीहरि करेंगे, आपके कष्टों से मुक्ति देंगे। ऐसे में यदि आप इस वैशाख महीने में पूरे 30 दिन श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हैं, विष्णु सहस्र नाम में भगवान श्रीहरि विष्णु के 1000 नामों का उच्चारण करते हैं, उसका नियमित रूप से आप पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से एक बात जानिए कि आपके वर्तमान जिंदगी में मौजूदा समय में किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वह आर्थिक है, चाहे शारीरिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे किसी भी क्षेत्र की कोई भी समस्या है, उसका समाधान आपको ज़रूर मिल जाएगा। विष्णु सहस्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। इस पाठ का बहुत ही अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, जिसकी रचना का श्रेय महाभारत काल के ऋषि वेदव्यास को जाता है। श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय विष्णु सहस्र नाम का महिमा का गान करते हुए स्वयं भीष्म पितामह ने कहा कि विष्णु सहस्र नाम को सुनने और पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति
जन्म संसार बंधन के मुक्ति प्राप्त कर लेता है, पाप से मुक्त हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु के समस्त नामों का अर्थ जानते हुए, देखिए आप नाम पढ़े तो उसका अर्थ भी जाने कि भगवान का क्या नाम है और उसका क्या अर्थ होता है, अर्थ का नाम जानते हुए और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, श्री विष्णु पद की प्राप्ति होगी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का प्रभाव आपके जीवन में धन धान्य के रूप में, संपन्नता के रूप में, तमाम और सुख सुविधाओं के रूप में परिलक्षित होगा, दिखाई देगा। जिन जातकों की कुंडली में गुरु छठे, आठवें, बारहवें भाव में हैं और इसी गुरु की दशा चल रही, उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति संतान का सुख प्राप्त कर सकता है। जिन लोगों के जीवन में तमाम प्रयास करने के बावजूद भी जीविका में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, उनको नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आपको आपकी प्रगति का मार्ग दिखा सकता है विष्णु सहस्त्र नाम, तेरे विष्णु की कृपा ही ऐसी है। हमारी धार्मिक संस्कृति कहती है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रह सकता है, उसका भाग्योदय जरूर होगा। अगर आपकी वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको नियमित तौर पर श्री हरि विष्णु का यह पाठ करना चाहिए। जिन लोगों के विवाह में काफ़ी अड़चनें आ रही, उनको भी काफ़ी लाभ दे सकता है विष्णु सहस्त्र नाम। इसका नियमित पाठ करने से व्यक्ति वित्तीय स्थिति सुधार सकता है, नियंत्रित कर सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति को गरीबी, बीमारी, पारिवारिक चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम कि महिमा मैं क्या कहूँ, जितना महिमा कहूँ उतना कम है, क्योंकि जीवन में एक सुरक्षा कवच की भांति यह कार्य करता है विष्णु सहस्त्र नाम, जो आत्मनिरीक्षण करने में मदद करता है आपकी। इसके साथ साथ वैशाख महीने में भगवान श्री हरि विष्णु का अत्यंत प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इसे नोट कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान हैं श्री हरि विष्णु, वासुदेव हैं श्री हरि विष्णु, उनके इस प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय के यदि आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्त पीड़ाओं का अंत होगा, आपको भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। और जिसके जीवन में नारायण की कृपा हो जाए तो फिर उसे इस संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती, अर्थात उसे सब कुछ मिल जाता है श्री विष्णु की कृपा से। वैशाख माह में हर दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा है। इस महीने में तीर्थ स्थान पर स्नान करने का भी अधिक महत्व है। जो तीर्थ में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं वे घर पर ही पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर इस महीने 30 दिन पर्यंत स्नान करें। ऐसा करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय तुलसी पत्र का प्रयोग आप जरूर करें। तुलसी पत्र चढ़ाना अत्यधिक शुभ होता है वैशाख के महीने में। वैशाख भगवान विष्णु को प्रिय लगता है, इसलिए इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष रूप से पूजा पाठ किया जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग और पीपल के पेड़ पर भी जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन दोनों में भेद है। देखें, पीपल की पूजा करने से जहां शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलती है, वहीं आप कहीं न कहीं पर्यावरण की हमेशा सेवा भी करते हैं। पीपल के वृक्ष को जल देने के कई फायदे हैं। एक तो आपकी कुंडली में शनि पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। दूसरे, चूंकि शनिवार के दिन श्री हरि विष्णु स्वयं पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए विष्णु भगवान की भी पूजा का भी फल आपको मिलेगा। इससे शनि, बृहस्पति, बुध तमाम नवग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। ये आपकी जन्म कुंडली में हमेशा जागृत अवस्था में रहेंगे, शुभ की अवस्था में रहेंगे। इनकी दशा, महादशा, अंतरशा में आपको कोई भी पीड़ा कष्ट नहीं होगा यदि आप नियमित रूप से पीपल के वृक्ष को जल देते हैं। खास करके शनिवार के दिन जरूर देना चाहिए। अब बात करते हैं शिवलिंग की। यदि आप वैशाख के महीने में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं या एक जलहरी की व्यवस्था करते हैं किसी शिवलिंग के ऊपर, जिसमें हमेशा जल की बूंदें धीरे धीरे, जल की धारा भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप पर गिरती रहती है, क्योंकि वैशाख के महीने में ताप बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, तो ऐसे ताप को कम करने के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर यदि आप जल नियमित रूप से चढ़ाते हैं तो जिस तरह से उन्हें शीतलता प्राप्त होती है, उसी तरह से उनकी कृपा से आपके जीवन में भी शीतलता बनी रहेगी, किसी तरह की तपिश नहीं होगी, अर्थात जीवन में सब प्रकार से शांति बनी रहेगी, कोई दुख
तकलीफ पीड़ा नहीं रहेगी, परिवार में सामंजस्य रहेगा, संतानें आपकी आज्ञाकारी रहेंगी, कुल मिलाकर के शिव कृपा से किसी भी तरह की तकलीफ और पीड़ा नहीं होगी। वैशाख के महीने में किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कार्य तुलसी पत्र से श्रीहरि विष्णु का पूजन है। आप 17 अप्रैल से लेकर के अगले 30 दिनों तक लगातार तुलसी की पत्तियों से भगवान श्रीहरि विष्णु का पूजन करें, तुलसी की माला उन्हें समर्पित करें, सालक ग्राम की पूजा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, यदि आप वैशाख पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण का कथा सुनते हैं, सालक ग्राम पूजन करते हैं, तो सब पूजन का जो फल है वह सिर्फ सालक ग्राम की पूजन से मिल सकता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। यह करने से आपके करियर में तरक्की होगी, आपको अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी, इसके अलावा आपके घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। तुलसी पूजन के साथ ही इस दौरान आप तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं, किसी अपने घर में भी लगा सकते हैं या किसी सार्वजनिक स्थान बाग बगीचे में लगा सकते हैं, किसी मंदिर के प्रांगण में भी लगा सकते हैं। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखें कि जब पौधा लगाएं तो उसकी देखभाल की भी समुचित व्यवस्था निर्धारित करना आप ही की जिम्मेदारी है। इससे तुलसी का लगाने से एक तुलसी एक कोटि गुना अश्वमेध यज्ञ का फल देती है। तुलसी से भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण की प्रीति मिलती है, इसलिए तुलसी जरूर लगाएं इस महीने में, तुलसी की माला श्री विष्णु को जरूर समर्पित करें, वैशाख पूर्णिमा के दिन सालक ग्राम का पूजन करें। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं जो बिल्कुल सरल तरीके से किए जा सकते हैं, यह करके एक तो आप अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास कर सकते हैं, वहीं अपने जीवन में सुख और संपन्नता की भी प्राप्ति कर सकते हैं। वैशाख महीने के दौरान सूर्योदय से पहले स्नान का क्या महत्व है और तुलसी पत्र से भगवान विष्णु की पूजा कैसे फलदायी होती है, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी बताइए। मानव को वैसे तो हमेशा शुभ कर्म ही करने चाहिए, जब भी मौका मिले आपकी जो नियति है आपका जो विचार है वह हमेशा शुभ कर्म करते ही रहना चाहिए। अगर आप शुभ कर्म नहीं कर रहे हैं तो कम से कम आप अपने विचारों में शुभता बना के रखें, क्योंकि अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। यह हमारी संस्कृति है, यह तेरा है, यह मेरा है, यह छोटे हृदय के लोगों की बातें होती हैं। और जो उदार हृदय के लोग हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति है, वह कहती है कि इस पूरे वसुधैव को, इस पूरी धरती के लोगों को अपना परिवार अपना कुटुंब समझती है, इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहना चाहिए, शुभ कर्म करने के प्रयास करने चाहिए और ऐसा ही शुभ विचार अपने मन में रखना चाहिए, क्योंकि समाज के सर्वांगीण विकास के विचार रखने वाले व्यक्ति ही ईश्वर के अति प्रिय भक्त माने जाते हैं। तमाम पूजा कर लिया, तमाम पाठ कर लिया, तमाम आपने यज्ञ आदि कर्म किए, अगर आपके मन में लोक कल्याण या परोपकार की भावना नहीं है तो किसी भी प्रकार के शुभ कर्म, किसी भी प्रकार की पूजा पाठ आपके काम नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और 4 वेद ब्रह्मा के मुख से निकले वेदवाक्य हैं, लेकिन अष्टादशेषु पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराण का निचोड़ व्यास जी 2 शब्दों में कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है। सबसे बड़ा पुण्य है परोपकार, अर्थात दूसरों की सहायता करना जब उसे जरूरत हो। सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरों को अनायास दुख देना, पापाय परपीडनम। जब आप दूसरे को पीड़ा देते हैं, चाहे अपने वाणी से, चाहे अपने कर्म से, चाहे आप किसी भी तरीके से अगर किसी के हृदय को पीड़ा देते हैं, तो यह पाप कर्म की श्रेणी में आता है। बहुत सिंपल है, समझ में आ जानी चाहिए बात। इसलिए पूजा पाठ जरूर करें, लेकिन उसके साथ अपने विचारों में शुभता बना के रखें, शुभ कर्म करें हर समय। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है, तो यह वैशाख का महीना उन गलतियों को सुधारने का आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। इस संवत्सर 2079 में वैशाख के महीने में जो 17 अप्रैल से शुरू हो गया है, इस पूरे अगले 30 दिनों तक आप कुछ विशेष शुभ कर्म करें, जिसके प्रभाव से आपके कठिन से कठिन भी जाने अनजाने में ज्ञाता ज्ञात किए हुए पाप कर्म नष्ट हो जाएं और आपके भाग्योदय की रास्ते खुल जाएं। वैशाख का महीना जिसे माधव मास कहा जाता है, इस माधव मास के दौरान आप जप तप हवन के अलावा स्नान और दान कर सकते हैं। इस दौरान जो लोग श्रद्धा भाव से जप करते हैं, जप आप अपने इष्ट के मंत्रों का जप कर सकते हैं, यदि आपने गुरु मंत्र लिया है तो उस गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं, मतलब जप करें, तपश्चर्या का पालन करें, हवन करें।
हवन से जहाँ वायु शुद्ध होती है, वहीं पे आपको देवताओं को दी गई आहुति, देवताओं की कृपा से शक्ति की प्राप्ति होती। यह एक तरह से पुरुषार्थ है, यज्ञ करना, हवन करना पुरुषार्थ कहा जाता है। तीसरी बात, स्नान, प्रातः काल स्नान, सूर्योदय के साथ स्नान करने से शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये तमाम कार्य शुभ कार्य की श्रेणी में आते हैं, इसका अक्षय फल आपको मिलेगा। और चलिए आखिर में पंडित जी से जान लेते हैं कि वैशाख माह में कौन सा शुभ कर्म करना फलदायी होता है। पंडित जी बताइए हमारे दर्शकों को कौन सा शुभ काम इस वैशाख के महीने में करना चाहिए। जिस प्रकार कार्तिक मास के दौरान सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की परंपरा है, भगवान की पूजा करने की परंपरा है, ठीक उसी प्रकार वैशाख के महीने में सुबह सूर्योदय के साथ उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, अपने इष्ट की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ की तमाम जो पुण्य होता है उस तरह का फल मिलता है, यानी उसे जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलती है। वैशाख महीने में शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए, खास करके प्रदोष के दिन अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए वैशाख के महीने में, तो निश्चित रूप से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग के ऊपर मिट्टी के कलश स्थापित होते हैं या तांबे कलश स्थापित होते हैं और उसमें से हमेशा निरंतर जल गिरता है, जिसे जलहरी कहा जाता है। इससे भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्राप्त होती है और यह गिरता हुआ जल शीतलता जैसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर बनाता है, उसी तरह से आपके जीवन में भी शीतलता बनी रहेगी। इस शुभ काम के लिए मंदिर में आप मिट्टी का कलश दान कर सकते हैं, तांबे के कलश दान कर सकते हैं या किसी धातु के कलश का आप दान कर सकते हैं। वैशाख महीने में शिवलिंग का जलाभिषेक आप एक बार तो कम से कम जरूर करें। साथ ही भगवान को बिल्वपत्र, आंकड़े के फूल, धतूरा, इत्र, जनेऊ, हार, फूल, ये जो तमाम पूजन उपचार की सामग्री है जो भगवान भोलेनाथ के पूजन के लिए प्रयुक्त होती है, उन सामग्री का भी दान करें और मंदिर में भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग स्वरूप के सामने बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप भी करें। ऐसा करने से आपकी आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा, सारे कष्ट, सारे पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। आशुतोष तुम औढ़र दानी, भगवान भोलेनाथ को औढ़र दानी कहा जाता, मतलब जो कोई नहीं दे सकता है वो भगवान भोलेनाथ दे सकते हैं। वो इतने भोले हैं कि अपने ही घर को, जिसका गृह प्रवेश जिस पुरोहित ने कराया उसको अपना घर ही दान कर दिया। तो भगवान भोलेनाथ कुछ भी दे सकते हैं। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव ही मेट सकह त्रिपुरारी, भगवान भोलेनाथ जो होने वाला है वह भी बदल सकते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ अरिष्ट होने वाला है तो वह भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हो सकता है, बदल सकता है, मतलब आपके जीवन में कुछ भी अरिष्ट नहीं होगा। इस तरह से भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु की उपासना का महत्व, जिसे हरि हर का पूजन कहा जाता है, हरि से श्रीहरि विष्णु का नाम और हर से भगवान भोलेनाथ का, दोनों की उपासना इसी वैशाख के महीने में शुरू होती है। आप एक बात जानते होंगी, इसी महीने में, वैशाख ही महीने में केदारनाथ और बद्रीनाथ के पट खुलते हैं। भगवान की विशेष कृपा होती है वैशाख के महीने में। भगवान भोलेनाथ की आराधना से निश्चित रूप से जहाँ आपके जीवन में हर तरह के कष्ट दूर होंगे, वहीं पे आप हर उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं जिसकी कभी आपको चाहत रही है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के भी पूजन का महत्व होता है वैशाख के महीने में। भगवान श्री कृष्ण की पूजन आराधना का तमाम उपाय आप अगर कर चुके हैं लेकिन आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में एक बार वैशाख के महीने में वृंदावन जा करके भगवान बांके बिहारी का दर्शन कर लें, तो निश्चित रूप से जो भी पूजा पाठ में आपकी कमी है वह पूर्ण हो जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पे इस महीने आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पक्षियों के जल की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपकी कुंडली में बुध का दोष समाप्त होगा। वैशाख के महीने में घट दान यानी मिट्टी के घड़े का दान करने का विशेष महत्व है। सार्वजनिक स्थान पर जल की व्यवस्था कराना, प्याऊ लगवाना, ये पुण्य काम कहे गए हैं। अगर ये संभव ना हो तो प्याऊ में मटके का ध्यान करें, पानी की व्यवस्था करें। इस दौरान अगर आप किसी भी मंदिर में, बाग बगीचे में, स्कूल में या सार्वजनिक स्थान पर मिट्टी का घड़ा रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अनंत पुण्य फल मिलेगा। भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी को दूध से नहलाना चाहिए, दूध से इनका अभिषेक करना चाहिए, तुलसी के साथ मिठाई मतलब खीर का भोग लगाना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को
कपड़े, जूते, चप्पल, छातों का दान करना चाहिए, वस्त्र का दान करना चाहिए। गौशाला में हरी घास, गायों की देखभाल के निमित्त कुछ धन का दान भी आप इस महीने कर सकते हैं। मतलब जितने भी शुभ कर्म है, चाहे दान है चाहे पुण्य है, इस महीने कुछ न कुछ आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपके ग्रह दोष जरूर कम होंगे और ग्रहों के आधार पर ही जीवन का फैसला होता है कि आपके जीवन में क्या स्थिति होगी, आप किस मुकाम पे पहुँचेंगे। इस नवग्रहों को अपने अधीन करने के लिए, अपने अनुकूल करने के लिए आप देवाराधना करें, इन शुभ कर्मों को करें, तो निश्चित रूप से भगवत कृपा से सब सुंदर ही होगा। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि वैशाख के महीने में कौन से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजा अर्चना अगर आप कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान आप रखें, साथ ही साथ दान और पाठ आप कैसे कर सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।